दोस्तों रुको रुको रुको, अभी डिस्क्रिप्शन में मत जाओ। मुझको पता है आप सीधा अभी डिस्क्रिप्शन में जाओगे और फाइल को डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, और मैं भी बहुत चालाक हूँ भाई, ऐसे अभी नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, मैंने क्योंकि उस पर लगा रखा है पासवर्ड। तो और भाई लोग कैसे आप लोग, आई थिंक आप सभी लोग दोस्तों बढ़िया ही होंगे। दोस्तों आज मैं आ गया हूँ एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे GTA 5 का जो मैप है अपने माइनक्राफ्ट में इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई रोल प्ले करना है या कोई सीरीज बनानी है किसी बढ़िया से वर्ल्ड में, तो आपके लिए ये एग्जांपल बहुत बढ़िया हो सकता है। तो और इसकी मैं आपको डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा, और आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंपोर्ट करना है वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर आ सकते हो, देखना ही देखना। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, क्योंकि आपको मिल जाएगी मेरी हर एक वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो दोस्तों चलते अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मैप है, ये अभी तो मैं माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए लेकर आया हूँ। अगर आपको जावा एडिशन के लिए भी ये चाहिए आपको, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन और जावा एडिशन दोनों का ही लिंक दे दूंगा। जो आपको पसंद आए, जिसमें भी आप खेलना चाहते हो तो आप खेल सकते हो। तो अभी मैं आपको, सबसे पहले आप देख सकते हो अभी मैं पॉकेट एडिशन में ये वाला मैप खेल रहा हूँ। तो अभी अगर आपको मैंने इंट्रोड्यूस करना है तो मैं अभी जावा एडिशन में खेलूंगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़े FPS बढ़िया आएंगे और बढ़िया से आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमारा जो पहले नंबर पर घर आता है वो है फ्रैंकलिन का घर। आप में से बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट ट्रैक्टर भी होगा GTA 5 में, जिन लोगों ने खेल रखी है ये। दोस्तों ये फ्रैंकलिन का घर है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल कोना कोना तक नहीं छोड़ा कि कोई भी डिटेलिंग रह ना जाए। उन्होंने बिल्कुल डिट्टो वैसा ही बनाया है, आप सीढ़ियों से लेकर हर एक चीज़, उन्होंने डस्टबिन भी बनाया ऐसे, मतलब हर एक चीज़ उन्होंने इसमें डाल रखी है। तो ये है दोस्तों फ्रैंकलिन का घर, और इसके साथ ही में जो इसका दोस्त है लमार, उसका भी यहीं कहीं पे घर है, पता नहीं कहाँ पर है, उसने मतलब दिखा नहीं रखा है अभी GTA 5 में, तो ऐसे मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये इसी में ही कहीं पर लमार का भी घर है। तो दोस्तों इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैंने शेडर लगा रखा है ना, ये बहुत ही बढ़िया शेडर है। अगर आपको इस चीज़ पर भी वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो शेडर मैंने लगा रखा है, ये बिल्कुल लो वाला शेडर है। इसके 7 स्टेप हैं, ठीक है, शेडर के धीरे धीरे करके बढ़ते रहते हैं इसके स्टेप्स। जैसे अगर 7 वाला है वो बिल्कुल एक्सट्रीम वाला शेडर होगा, ठीक है। तो अगर आप बिल्कुल पहले नंबर वाला, अगर आपका जो PC है वो बिल्कुल ही लो एंड है, तो आप पहले नंबर वाला भी चला सकते हो, तो वो भी बहुत बढ़िया है। ये जो मैंने लगा रखा है शेडर, ये भी पहले नंबर वाला ही शेडर है, बट ये सिर्फ जावा एडिशन के लिए है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। तो दोस्तों अब हमारी जो अगली बिल्डिंग है वो है मेज बैंक की बिल्डिंग। आपको पता ही होगा दोस्तों, जो लॉस सैंटोस में जो मेज बैंक की बिल्डिंग है, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और एक और बात, अगर आपको कोई लैग वगैरह दिख रहा होगा और थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं आ रही होगी वीडियो क्वालिटी, देखो यहाँ पर थोड़ा सा लैग हो रहा है, क्योंकि अभी मेरा कंप्यूटर सहन नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा सा माफ़ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेज बैंक की बिल्डिंग है, तो ये भी पूरी उन्होंने डिट्टो ही छाप रखी है भाई साहब, पता नहीं कैसे बनाया, पता नहीं कितनी मेहनत लगी होगी उनको बनाने में, ये सोचने वाली बात है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो हेलीपैड है मेज बैंक की बिल्डिंग का, और यहाँ पर इन्होंने जो ग्रिल्स वगैरह लगा रखी हैं, वो 2 मिनट में यहाँ पर फंस गया हूँ, 2 मिनट में बाहर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेज बैंक की बिल्डिंग, और नीचे से आप जो रोड वगैरह है उसका भी नज़ारा देख सकते हो। और ये आप देख सकते हो अभी ये मैप इतना बड़ा है भाई, ये लोड भी नहीं हो रहा। अगर मैं इसके जो चंक्स का रेंडर का जो साइज़ है, मतलब वो मैं पूरा फुल कर दूँ, तो मेरा PC फट भी सकता है भाई, इतना ज़्यादा ये बड़ा मैप है। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपनी अगली बिल्डिंग की तरफ, और आपको बताता हूँ और भी क्या क्या इसमें बिल्डिंग्स है। तो दोस्तों हमारी जो अगली बिल्डिंग है, ये भी बहुत ही आइकॉनिक बिल्डिंग है। दोस्तों अगर आपने GTA 5 पूरी खेली होगी तो आपने भी ये सोचा होगा, भाई यार सारी मैंने GTA 5 को कंप्लीट कर दिया, बट ये वाली बिल्डिंग बनकर तैयार ही नहीं हुई। शुरू से लेकर एंड तक ये गेम में कभी भी बनकर तैयार नहीं हुई, और तो और ये GTA ऑनलाइन में भी नहीं हुई,
इसका कारण क्या है कुछ नहीं पता, शायद ये ऐसे लीक्स आ रही हैं कि ये जो बिल्डिंग है GTA 6 में बनकर तैयार हो जाएगी। तो छोड़ो वो बात अलग है। तो दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हो ये वाली बिल्डिंग भी बहुत बढ़िया बना रखी है। भाई मुझको समझ में नहीं आता बंदों ने ये कैसे बनाया ही कैसे है भाई, मेरे से तो कभी नहीं बनेगा ये। तो पता नहीं उन्होंने कैसे बनाया, क्या तिगड़मबाजी लगाई कैसे, शायद ये मेरे हिसाब से कंप्यूटर से बना रखा है उन्होंने, मतलब कोड वगैरह का चक्कर है, वैसे चंक कंप्यूटर से डाल रखा है, खुद उन्होंने मैनुअली शायद नहीं बनाया। अगर आप ऊपर साइड में लेफ्ट हैंड साइड आप नज़र डालोगे तो वहाँ पर आपको रॉकेट्स भी दिखेंगे मतलब जाते हुए। तो दोस्तों अभी चलते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, तो और मैं आपको बताता हूँ और भी क्या क्या इसमें चीज़ें हैं कि इसमें तकरीबन ज़्यादातर सभी चीज़ें इसमें बना रखी हैं। और अगर बात करें पूरे मैप की, दोस्तों इसमें पूरा मैप अभी नहीं बना है। वो क्यों नहीं बना है, क्योंकि दोस्तों इसमें पूरा मैप बनाने में अभी बहुत टाइम लगेगा। ये जो मैप है अभी फुल नहीं बना है, ये अभी प्रोग्रेस में है। आपको यहाँ पर आगे जाकर ऐसे दिख रहा होगा, जैसे आप देख सकते हो अभी स्क्रीन पर ऐसे मतलब मिसिंग से हैं, ठीक है, जो चीज़ें हैं ठीक से बन नहीं रखी हैं, ये बना रहे हैं वो, इसके जो डेवलपर है वो अभी बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें जब ये जब बन जाएगा उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो ठीक है इसके लिए आपको बस वेट करना पड़ेगा। ये जब बना देंगे तो मैं भी वीडियो उसी टाइम ही बना दूंगा। यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है लगी मुझको ये बिल्डिंग्स वगैरह ढूंढने में आपके लिए। और तो और मुझको पहले फ्रैंकलिन का घर ही नहीं मिल रहा था, तो फ्रैंकलिन का घर भी मुझे बहुत मुश्किल से मिला है। तो दोस्तों आपको अगर ये डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वो जो मैंने पहले पासवर्ड बता रखा है उस पासवर्ड को डाल दो। दोस्तों जैसे ही आप इस पासवर्ड को डालोगे तो वैसे ही आप अपने, जैसे अगर कंप्यूटर में आपने डालना है तो आपको क्या करना होगा, आपने अपने सर्च बार में जाना होगा, सर्च बार में लिखना होगा ये जो परसेंटेज है ऐप डाटा, लिख कर फिर से परसेंटेज डाल देनी है। दोबारा से परसेंटेज डाल लेने के बाद आपके पास एक फोल्डर आ जाएगा ऐप डाटा के नाम का, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा माइनक्राफ्ट का, माइनक्राफ्ट के फोल्डर को खोल लेना है। उसमें खोल लेने के बाद आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे, वहाँ पर एक फोल्डर होगा आपका सेव्स का, SAVES, ठीक है, सेव्स का फोल्डर होगा, उसको जाकर आपने ढूंढ लेना है, मतलब उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक कर लेने के बाद उसके अंदर आपने ये जो मैप वाला फोल्डर, मैप है ना, ठीक है, फोल्डर नहीं है मतलब ये मैप है ना एक्सट्रैक्ट जो आपने किया था, इसको आपने डाल देना है, ठीक है। डाल देने के बाद आपका ये जावा एडिशन में आराम से चल जाएगा, अपनी गेम को एंजॉय कर लेना। और अभी अगर मैं बात करूँ इसमें पॉकेट एडिशन में, वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करना है आपने, बस ZRChiever अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ZRChiever डाउनलोड कर लेने के बाद जो माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन वाला मैप है उस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद ZRChiever पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपने क्या करना है, उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट हेयर कर उसको एक्सट्रैक्ट आपने मार लेना है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से आप कट या कॉपी कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आपने कट या कॉपी कुछ भी कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने फ़ोन की स्टोरेज में आ जाना है। फ़ोन की स्टोरेज में दोस्तों आने के बाद आपको एक फ़ोल्डर ढूंढना है, गेम्स नाम का फोल्डर होगा, ठीक है। उस गेम्स नाम के फोल्डर में आपको इसको पेस्ट कैसे करना है ये भी सुन लो। गेम्स नाम के फोल्डर में दोस्तों आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद com.mojong में चले जाना है। com.mojong में जाने के बाद आपको वहाँ पर एक माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स नाम का एक फोल्डर मिलेगा, आपने बस उसमें पेस्ट कर देना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। आपने अपनी माइनक्राफ्ट को ऑन करना है और ये जो आपका मैप है वहाँ पर सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी, बहुत मेहनत लगी भाई ये इस वीडियो को बनाने में, तो बस एक जरूर लाइक कर देना, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब तो कर जाना ही। दोस्तों अभी मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।